थी उसकी सबकी ये जुबानी। दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी। दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर। एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर। एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी। एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ अबे असली भिखारन नहीं, एक अदाकारा चाहिए जो जो भिखारन की एक्टिंग कर सके अच्छे तरीके से। तो भाड़े की भिखारन लाने की तैयारी की जा रही है। नो प्रॉब्लम, अब भिखारन बनकर मैं आऊंगा और तेरी पोल खोलूंगा। हाँ, क्या आइडिया है। अभी तो मेरे बाल भी लंबे हैं, तो क्यों ना मैं खुद ही भिखारन बनकर जाऊं। मेरे पैर मत पकड़, पैर उसके। इतना भयानक सपना, कहीं ये सपना हकीकत ना बन जाए। मुझे भिखारी बनकर जाना ही होगा। वाह वाह वाह, तीन तीन भिखारी। आइए आप भी बैठिए। अगर ये कल वाली भिखारी है तो बाकी दो कौन है? हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता बहू? जी बाबूजी। अरे तुम नहीं बेटा, छोटी बहू। जी बाबूजी। एक बात बताओ, इस भिखारन को तुम अंदर लेके आई थी ना? जी बाबूजी। तो क्या कहा था इसने, किस लिए आई है वो? समोसे खाने। समोसे खाने के लिए? ये वो भिखारन है जिसको तुम अंदर ले आई थी और इसने कहा था कि समोसे खाने हैं। तो ये दो बाकी इस भिखारन कौन सी वाली है? दादाजी बहुत बड़ा झोल है। देखिए भाई, मुझे तो कोई फ्रॉड लगती है। आप पुलिस में फोन करिए। हां पुलिस में फोन करो। पुलिस? पुलिस? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ट्रैक से बाहर जा रही हो? ठहरो ठहरो विकी, अब मुझे समझ आ गया। ये वही भिखारन जैसे राहुल ने समोसे खिलाए थे। हाँ। लेकिन मगर ये बाकी तो भिखारन कौन है भाई? वो मैं वो कह रही थी कि क्या था कि हमने आपके बेटे की बात की थी, उस भिखारन के साथ सुन ली थी, तो ना हम दोनों भी समोसे खाने आ गई। अच्छा कह रहा है मिकी, मुझे भी इनकी शक्ल कुछ जाली पहचानी। मिकी जरा इन्हें गौर से देखकर बता, क्या तू इन्हें पहचानता है? पहचानता हूँ क्या आंटी, यही तो है वो लड़की जो चाचा के साथ गार्डन में बैठी बातें कर रही थी। हाँ शिल्पा, मुझे भी इसे देख के लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। अरे नहीं नहीं, वो मेरी बहन की बेटी थी, मैं नहीं थी। एक्चुअली वो अच्छे घर से है, मैं बेकार हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे लगता है राहुल ने तुम्हारी जरूरत को देखकर तुमको समोसे खिलाए थे। एक काम करो, ये 50 रुपए और तीनों मिलके समोसे खा लेना। अरे ठीक है, इसका मतलब मेरे राहुल का चक्कर बाहर नहीं चल रहा। अरे नहीं नहीं बहू, राहुल तो एकदम गंगा जल की तरह पवित्र है। काम करती हूँ मैं, चलती हूँ मैं, चलती हूँ। अरे ये देखो, ये देखो, अरे ये देखो, गई भैंस पानी में। राहुल चाचू। और शिल्पा, ये तो वही लड़की है ना जो तुम्हारे जेठ जी को बदनाम करने के लिए मेरे पास आई थी? अच्छा। देखिए मैं यहाँ ये गेटअप लेकर सिर्फ राहुल को बचाने। अच्छा, और राहुल तुम किसे बचाने आए थे? वो मैं ना, वो वो
वो मैं अपने आप को बचाने आया था। और आप? आप? इस खोते को बचाने आया था मैं तो इसे बचाने आया था। देखा बड़े बेटे का बलिदान, छोटे को बचाने के लिए खुद भिखारन का रूप लेकर आ गया। इसका मतलब मिट्टी ने जो कहा था राहुल उस लड़की गार्डन में, तो हाँ चाची यही तो थी वो लड़की जो चाचू के साथ गार्डन में बैठी बातें कर रही थी। अच्छा झूठ है ये सब। इसी बंदे ने मुझे गार्डन में समोसे खिलाए थे। मैं आधे घंटे से आप सब लोगों की बातें सुन रही हूँ। मुझे पता है, मैंने सोचा कि बंदे के घर जाऊंगी, दो चार समोसे और खा लूंगी, लेकिन यहाँ तो ये बंदा ही फंदे में है। देखिए देखिए ये वो भिखारन जिसको मैंने समोसे खिलाए थे। पूछिए इससे, यही है वो असली भिखारन। पूछने की जरूरत नहीं, बता रही है वो। तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा बच्चा कि मैं समोसे का कर्ज उतार लूं, तो मैं आ गई। ओह सो नाइस ऑफ यू। बाजी मुझे लगता है ये नकली भिखारन। नकली लोगों को हर आदमी नकली लगता है। वैसे भी देखो मैं तो भिखारन हूँ। बंदा तुमने मुझे समोसे खिलाए थे, मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि वो तुम्हें 1000 समोसे खिलाए। अब भाई ये असली भिखारन है, क्योंकि मैंने हर भिखारी के मुंह से यही दुआ सुनी है। चलो बंदा, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि तुम्हें हर काम में जीत दिलाए, लेकिन कभी मिल जाओ तो समोसे जरूर खिला देना। इच्छा दिल की दिल में ही रह गई। चलो मैं निकलती हूँ, बच्चा सुखी रहो। अल्लाह के नाम पे एक समोसा दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे एक समोसा दे दे। अरे ये तो मेरा अकेले हो गया। चलो मैं निकलती हूँ, बच्चा सुखी रहो। अल्लाह के नाम पे एक समोसा दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे एक समोसा दे दे। अरे ये तो मेरा अकेले हो गया। हेलो हेलो, हाँ दीदी से बात करनी है। हाँ दीदी बोल रही हूँ। अरे दीदी, अरे बड़ी दीदी से कहना कि हम फोन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सागर भाई बोल रहे हो? हाँ बोलो। यस सागर। अच्छा अच्छा ठीक है ओके। दीदी हाँ? सागर भैया आ रहे हैं। हाँ सागर मामा आएंगे। अरे लेकिन वो नालायक आ कब रहा है? क्या फर्क पड़ता है बाबूजी, मुसीबत आ जाए या कल आए, है तो मुसीबत ही ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। मुसीबत नहीं मेरे भाई है। एक ही बात है, साला आधा घर वाला। अरे दीदिया कहाँ खो गई, दीदिया अरे दीदिया कहाँ खो गई, हमरे नैन थक गए तुमको ढूंढते ढूंढते। अरे भैया ये अजीब शहर है, ये रास्ता पता नहीं कहाँ कहाँ से भैया झाड़ी में से होके जाता है। ए? क्या हो रहा है, जब से शहर आए हम परेशान हो गए भैया। अजीब शहर है भैया, कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता यहाँ। अरे दीदिया कहाँ खो गई दीदिया। अरे सुनिए कुछ बताएंगी? Shut up, get out. अरे डांट तो नहीं, जब देखो डांट देते हैं। ऐसे ही गार्डन गार्डन, ये भगवान सुबह से गार्डन गार्डन खेल रहे हैं। पता नहीं कौन सा देश है भैया, रास्ता ही नहीं मिलता है। एक नहीं लाल सुबह से परेशान हो गए हैं, सीधा रास्ता दिखा दो भाई। अब क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मदद हमारी करोगे? जी हाँ आवास। अच्छा कहाँ मदद करोगे? अब जो आप कहें। जो हम कहेंगे वो करोगे? जी आवास। अच्छा तो एक काम करिए ना, वो कहना बचपन से हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इस देश के प्रधानमंत्री बने, हमको इस देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। भला आपको प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते ना, तो चुप रहिए, चोट बंद रखिए अपनी। इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे तब से। अरे जब भैया हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो तुम लोग हमारी मदद क्या करोगे? देखिए आप अपनी मदद नहीं कर सकते ये और बात है,
लेकिन हम आपको मदद कर सकते हैं और इस बात का मुझे पक्का यकीन भी है। एक बात बताओ, गोंद हो का? अब नहीं। चुंबक हो का? नहीं। फिर भी चिपक रहे हो? हैं? अरे पूरी दुनिया का मदद करने का ठेका ले रखा क्या तुम लोगों ने? कतई नहीं, लेकिन एक जिम्मेदार और जागरूक शहरी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी मदद करें। ए भैया, काहे फोकट में बड़ी बड़ी बातें करके हमारा दिमाग खा रहे हो? हैं? देखो भैया, हमने कह दिया ना कि जब हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो तुम लोग क्या करोगे? चलो, इनका कुछ नहीं हो सकता। किंतु हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, बिना मदद के मानोगे नहीं का? नहीं नहीं मानेंगे ना। एक काम कीजिए भैया, जो पेटी है ना हमारी, इसको उठाइए और रखिए अपने ऊपर। रखा। अब दूसरा काम कीजिए, बैग उठा लीजिए। उठा लिया भाई। हाँ, उठ गया ना, अब चलिए। कहाँ? अरे हम क्या पता है कहाँ चलना भैया, वो तुम ही कह रहे थे कि का बड़े जिम्मेदार और मदद करने वाले। चलो अब। और जागरूक शहरी भी। हाँ हाँ, जागरूक शहरी, तो अब चलो ना। अरे लेकिन जाना कहाँ है ये तो बताइए ना। ए भैया, अगर हमको ही पता होता कि हमको जाना कहाँ है तो 3-4 घंटे से हम ही गार्डन में काहे अपना दिमाग खराब कर रहे होते हैं। अब भैया, जब एक बार हमारी याददाश्त चली जाती है ना, तो जब तक हम स्ट्रांग ना हो जाएं, तब तक फिर जो हम करना है वो सब हम भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता उसके बाद। वो क्या है, एक छोटी सी बात बताते हैं तुमको। हम जब गांव से आए ना शहर अपनी दीदी से मिलने के लिए, तो हम चले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन पता नहीं रास्ते में क्या हुआ कि जो हमारा दिमाग ना हड़ताल पे चला गया, उसके बाद हम सब भूल गए। अब बताओ ये हमको लेकर जाओगे कहाँ? क्या हुआ, ये सामान काहे पटक दिया भैया? भैया अब आप माफ कीजिए, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। काहे? अरे तो कोनो बात नहीं हुई, अब कुछ देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो का इंसानियत और जागरूक नागरिक और पता नहीं क्या कर रहे थे मदद करने के लिए, अब क्या हुआ है? एक काम करिए, सामान उठाइए, चलिए हमारे साथ, बड़े आए हैं। हाँ ठीक है, फॉलो मी। हमसे लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही हमका, कि इस शहर में आके हम फंस गए हैं जंजाल में, कि निकल नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है, जाना था कहाँ और जा रहे हैं कहाँ, हो रहा का हो? आए दादा मैं कहा बताए भैया, अगर एक बात बताओ तुम। हमारा सामान चुरा ले गया। अरे हम तो खटिया चोर थे, तो पूरा हमारा ही सामान चुरा ले गया भैया। अरे कोई सुन लेगा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे गजोधर चाचा तो बहुत मारेंगे। हे भगवान, इस शहर तो बड़ा खतरनाक है, यहाँ तो बड़े बड़े चोर हैं। अरे सामान ही गया है, कहीं कुर्ता पजामा ना चला जाए। अरे दिव्या, तुम्हारे चक्कर में सब का हो रहा है, का हो रहा है? अरे हमको बचा लो, हम आ रहे हैं। हो गया, सब गुड़गुड़ हो गया, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। मुझे पता ही था तुम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गुड़ गोबर जरूर करोगी, आदत है। गुड़ गोबर मैंने नहीं, गुड़ गोबर तुमने किया, मेरी जेठानी। तुम है ना, ऐसे दांत पीस कर मुझे घुरा मत करो और उंगली तो दिखाना ही मत, समझी? तो क्या करूँ, पूजा करे तुम्हारी। अरे शर्मा जी की घर की देवरानी और जिठानी के बीच में आग लगाना था, उस घर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, क्या जरूरत थी उस राहुल को जाके बचाने की? हाँ उसमें क्या है ना कि मुझे लगा कि राहुल सही है और वो जो राहुल का बड़ा भाई है ना वो गलत है, इसलिए। अरे कोई भी गलत हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ उस घर की देवरानी और जेठानी के बीच में झगड़ा लगाना है, आग लगानी है, समझी तुम? देखो देखो जरा कैसे खेल खिलाते ही करते हंस रहे। ए, अगर इसी तरह हंसते रहे ना तो जो हमारी नाक है ना ये कट जाएगी। याद है हमने क्या कहा था, उस घर की देवरानी और जेठानी के बीच में दरार पैदा करेंगे। हे भगवान, अगर हम नहीं कर पाए तो ये घर। याद है, याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, समझी तुम? हेलो, देवरानी हो जेठानी,
देवरानी और जेठानी के बीच में तलाक पैदा करेंगे। हे भगवान, अगर हम नहीं कर पाए तो ये घर। याद है, याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, समझी तुम? हेलो, भाई साहब, अगले महीने तो क्या, आने वाले किसी भी महीने में मेरी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है। रॉन्ग नंबर अगेन। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं फोन रखने के पहले, कि ये घर अमिताभ बच्चन का नहीं है, अमित बजाज का घर है, और कुछ ही महीनों में ये घर ट्रस्ट के हवाले होने वाला है। जी हाँ, जी हाँ, नो प्रॉब्लम। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लगे रहो, लगे रहो। मेरा तो मन कर रहा है कि इस बुड्ढी का गला दबा के मार दो। बावली हो गई है, बुड्ढी का गला दबाएगी? मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मेरा गला दबाओगी? मेरा? तुम्हें कुछ अकल है? सिंपल, हम बूढ़े का गला दबाएंगे, हमें अवार्ड थोड़ी ना मिलेगा, हम दोनों जाएंगे सीधा जेल और प्रॉपर्टी जाएगी सीधा ट्रस्ट में। नहीं नहीं नहीं, समझे कुछ? अरे मैं तो भूल ही गई थी, भूल गई थी। मेरी प्यारी देवरानी, तुम बोल सकती हो, मैं नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब ये सब क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये मेरा स्टाइल है, यू नो। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही ऐसी है दीदी। क्या बात है, खुशखबरी दे रही हो? वो बाहर। नहीं 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 दीदी, वो खुशखबरी नहीं है। तो फिर देखो ना, जेठी ने हम सबके लिए संतोषी माता का व्रत रखा है, तो मैंने भी गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर ये निर्णय लिया है कि मैं भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलूंगी। उनकी उनकी बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखूंगी, और अगर मैं सफल हो गई ना दीदी, तो घर के सभी लोगों को देसी घी के मोती चूर के लड्डू खिलाऊंगी। अरे सिर्फ मोती चूर के लड्डू खिलाने से काम नहीं चलेगा, तुम बात बात में तो चिढ़ जाती हो। अरे तुम्हें अपने स्वभाव पर नियंत्रण पाना होगा, और गांधी गिरी को हमेशा के लिए अपने आचरण में लाना। आचरण? हाँ, मतलब उन्हें ना अपने अंदर समाना पड़ेगा। ठीक है दीदी, अब से मैं ऐसे ही करूंगी, मैं तो गांधीगिरी की। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं तो गांधीगिरी के आचरण को अपने अंदर समा लूंगी और गांधीगिरी का प्रचार करूंगी। हाँ, मैं भी वही करूंगी, गांधीगिरी का क्या प्रचार प्रचार करूंगी, मिलकर गांधीगिरी का आचरण करेंगे, है ना? आचरण महात्मा गांधी की जय। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो साथ करते। अब रामा बेटा एक बात बता। पूछो भौजी। ये राहुल हमेशा तेरे पीछे पड़ा रहता है, तेरी चुगली करता है, और यहाँ तक कि बहू को तेरे खिलाफ भड़काता है, लेकिन जब उसकी बारी आई तो तूने उसको बचाने के लिए खुद विकारण का रूप धारण कर लिया। बेटा ऐसा क्यों किया तूने? भौजी, परसों मैंने एक फिल्म देखी थी, बड़े भाई का बलिदान, और उस फिल्म को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ना भेष बदल बदल कर अपनों की हेल्प करूंगा। तो मैंने वही किया। बाबूजी, वही बलिदान दिया है मैंने। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, भाई मैं तो धन्य हो गया, आज तो मैं धन्य हो गया एकदम, मुझे तो गर्व है कि मैं तेरे जैसे बेटे का बाप हूँ। थैंक यू बाबूजी। वाह वाह वाह, मैं धन्य हो गया बेटा। वाह वाह वाह, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू, क्या बात है, वेरी गुड। चलो अब क्या नया गेम खेल सकते हैं हम, कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं के 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 भाई साहब, तू भी यहाँ है? सोफा है बैठने के लिए, सर पे चढ़ के बैठने की जरूरत नहीं है, बैठ जा। ओह थैंक यू। सुन ली होगी सारी बातें, चलन तो हो रही होगी। वैसे सोच रहा था अपने बाबूजी को काफी खुश कर दिया, कमाल है। पॉइंट है तेरा,
वैसे एक बात कहूँ भाई साहब, अगर मुझे बचाने का आपको इतना ही ख्याल आ रहा था तो आपने वो लड़की के साथ गार्डन वाली बात भाभी और शिल्पा से क्यों बोली? एक बात बताऊं मैं? बताइए। देख, तू ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये जो भी तेरा व्यवहार है, हाँ, तू वो ना करे इसलिए मैंने किया। सोच के देख, अगर तेरी और नताशा की बोल मैंने खोल दी होती, ये बातें घर में सबको बता दी होती, तो तेरी क्या हालत होती? देखिए देखिए भाई साहब, हाँ, ये आपकी चिकनी चुपड़ी बातों से ना मैं डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा? हाँ, और ये भी मत सोचिएगा कि आपके छोटे छोटे ट्रेलरों से मैं डर जाऊंगा। नहीं डरेगा तू? नहीं डरेगा? कोई बात नहीं, मत डर, हम और बड़ा खतरनाक खेल खेलेंगे। अब खेल आप नहीं भाई साहब, खेल मैं खेलूंगा। अब मैं बाजी चलूंगा भाई साहब, और आप देखेंगे। पहले फोन तो उठा ले। पर याद रखिएगा। हाँ, याद है मुझे। ओ, बाजी तो मुझे मिल गई है भाई साहब। किसी लड़की का फोन? हेलो, हाँ, कैसे हो? अरे